हेलो जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ऑल्दो फॉर द ईयर ऑफ 2020 दिस इज डिलीटेड पोर्शन, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसको। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम समझाते हैं आपको। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो भैया पहले से डोंट फॉरगेट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। तो जैसे हमने एक लिया केसीएल, केसीएल के हमने सपोज कीजिए 1 मोल लिए और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया 1 kg वाटर में। तो जब केसीएल वाटर में डिसॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल आयनाइज इनटू K+ एंड Cl नेगेटिव, जिससे आपको 1 मोल पोटेशियम आयन मिलेगा और 1 मोल ही क्लोराइड आयन मिलेगा। देयरफोर हम अगर अब यहां देखें तो हमने अपने दिमाग में रखा था कि हमने तो इसका 1 मोल डाला है 1 kg वाटर में, लेकिन सॉल्यूशन में जाते ही उसके मोल्स डबल हो गए, 2 मोल्स हो गए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो गए। तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज मिल जाएगी, बढ़ी हुई वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल तो KCl का 1 ही मोल था, बट वो आयनाइज होकर 2 मोल बन गए। तो हमारी कैलकुलेशन में एक एरर आने लगेगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि हम अपने दिमाग में रखेंगे कि हमने डाला है 1 मोल, लेकिन सॉल्यूशन में पहुंचकर कितने हो गए? 2 मोल्स, और जिसकी वजह से मोल्स इंक्रीज हो गए। मोल्स इंक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए थी 1 मोल से, लेकिन कैलकुलेशन हो रही है गलती से 2 मोल से, क्योंकि सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी हमें, तो हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है, तो n पर डिपेंड है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट बाय m नॉट, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m नॉट के, जो हम पहले भी बता चुके हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इंक्रीज कर गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मोलर मास डिक्रीज होगा, मोलर मास की कम वैल्यू आएगी। अब जैसे KCl है, KCl होता है हमारे पास 39 पोटेशियम और 35.5, दैट इज 74.5 ग्राम पर मोल, ये रही वो वैल्यू। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में डालेंगे इसके मोल्स डबल हो जाएंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल होगी, 2 टाइम्स होगी। और अगर ये 2 टाइम्स होगा तो मोलर मास हाफ हो जाएगा, यानी 74.5 का आधा होना चाहिए, 74.5 का हाफ होगा। लेकिन क्या किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास वेरिएबल क्वांटिटी है? ये तो फिक्स्ड होता है, ना आधा होगा ना दुगना होगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पर ये लिखते हैं, वी नो दैट द आयनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू कैटायंस एंड एनायंस, जैसा यहां पर हमने आपको सिखा दिया। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिसॉल्व 1 मोल ऑफ KCl इन वाटर, वी एक्सपेक्ट 1 मोल ईच ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन। इफ दिस हैपन देयर वुड बी 2 मोल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो 2 मोल पार्टिकल आपको मिलेंगे और हमने ऐड किए थे 1 मोल, सॉल्यूशन में जाते ही कितने हो गए? डबल। सॉल्यूशन में डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी,
वो आएगी बढ़ी हुई वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई तो मोलर मास डिक्रीज आएगा हमारे पास, और डिक्रीज मोलर मास भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएं, जो कहा गया था आपसे, इफ वी नो दैट, इफ वी डिड नॉट नो दैट अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वी कुड बी लीड टू द कंक्लूड दैट द मास ऑफ टू मोल पार्टिकल्स इज 74.5 ग्राम एंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ इज 37.25 ग्राम। मतलब कहना चाहते हैं कि जब हमें टू मोल्स ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में आ गए थे ऑफ KCl, तो उसका मास था हमारे पास 74.5 ग्राम। तो एक मोल पार्टिकल ऑफ KCl का कितना होगा मास? 37.25 ग्राम। और एक मोल का जो मास होता है उसी को हम मोलर मास कहते हैं, एम नॉट कहते हैं। लेकिन एम नॉट तो एग्जैक्ट तो ये है, हमारे पास ये आई रॉन्ग वैल्यू, इसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहें। तो अगर कोई भी हमारे पास सॉल्यूट डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में जाकर, सॉल्यूशन में जाकर सॉल्यूट डिसोसिएट होता है, तो डिसोसिएट होने से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, देयरफोर या दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी एंड मोलर मास डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज, मोलर मास डिक्रीज। तो अगर कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट होता है, उसके पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो उसके मोल्स बढ़ते हैं, मोल्स बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है और मोलर मास डिक्रीज होता है। लेकिन मोलर मास जैसा हमने बताया वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, ये तो हमारे पास एबनॉर्मल वैल्यूज आने लगे, गलत वैल्यूज आने लगे, ट्रू वैल्यू से डिफर वैल्यू आने लगी, फॉल्स वैल्यूज आने लगी। तो अब क्या करें, अभी हमें एक पॉइंट और देखना है इसमें एसोसिएशन का, जरूरी नहीं कि सॉल्यूट डिसोसिएट ही हो। जैसे अगर हमने लिया एसिटिक एसिड के टू मोल्स और सॉल्वेंट ले लिया बेंजीन एज अ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट बेंजीन में जाकर एसिटिक एसिड लें, बेंजोइक एसिड लें, फॉर्मिक एसिड लें, कोई भी एसिड लें, अगर सॉल्वेंट बेंजीन है तो यहां जाकर ये एसोसिएट हो जाते हैं ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दिस विल बिहेव लाइक एज अ वन पार्टिकल। तो आपने दो पार्टिकल ऐड किए थे, टू मोल्स ऐड किए थे एसिटिक एसिड में, लेकिन सॉल्यूशन में जाकर ड्यू टू द एसोसिएशन, अब डिसोसिएशन नहीं बोल रहे, एसोसिएशन, पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज हो गया या मोल्स का नंबर डिक्रीज हो गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ध्यान रखना इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्स ऑफ मोलर मास। अब यहां पर आप देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने दो डाले थे सॉल्यूशन में लेकिन रह गए एक, तो सॉल्यूशन में हमारे हिसाब से दो होने चाहिए थे लेकिन वैल्यू किसके हिसाब से निकल कर आएगी, एक के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन डिक्रीज फॉर एसोसिएशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज, देयरफॉर मोलर मास, क्योंकि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज है तो इनवर्स है, मोलर मास इंक्रीज, यानी मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 नहीं उससे ज्यादा आएगा, बढ़ी हुई वैल्यू आएगी। और फिर से हम कह रहे हैं कि मोलर मास ना तो एग्जैक्ट वैल्यू से बढ़ा हुआ हो सकता है ना कम हो सकता है, ना इंक्रीज वैल्यू हो सकती है ना डिक्रीज वैल्यू हो सकती है। और अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है और हम उस पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहे अपनी कैलकुलेशन में, तो हमें एबनॉर्मल मोलर मास मिलेगा। अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन।
एबनॉर्मल मोलर मास अगर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोलर मास, ट्रू वैल्यू ऑफ मोलर मास से इंक्रीज मिलता है तो वो एसोसिएशन होगा, और अगर मोलर मास कैलकुलेशन में डिक्रीज वैल्यू आती है एग्जैक्ट वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से, तो वो डिसोसिएशन की वजह से आएंगे। तो अब इसको दूर करने के लिए क्या किया? इसको दूर करने के लिए वेंटहॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट, एक फॉर्मूला डिड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं वेंटहॉफ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं वेंटहॉफ फैक्टर। लेकिन उससे पहले यहां एनसीईआरटी कुछ कहना चाहती है, जो हमने आपको बताया वही बात है एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसमें कहा है कि अगर हमने लिया मान लो एसिटिक एसिड CH3COH, इसके 2 मोल्स लिए इन द बेंजीन, ध्यान रखना बेंजीन सॉल्वेंट है, और मान लेते हैं कि सभी मोल्स एसोसिएट हो गए और एसोसिएट होकर ये डाइमर की फॉर्म में चले गए, डाइमर बन गया। ये बन गया बेटा डाइमर, ये आ गया डाइमर, ठीक है। तो मोल्स सॉल्यूशन में आधे रह गए, 2 थे एक रह गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू से आधी रह जाएगी, हाफ। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हाफ रह गई तो ये वैल्यू मोलर मास के इनवर्स है, मोलर मास एग्जैक्ट वैल्यू से डबल आएगा, मतलब एसिटिक एसिड का मोलर मास एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू होती है 60, लेकिन एबनॉर्मल एम नॉट एबनॉर्मल डबल आएगा, डबल कितना 120 वैल्यू आएगी। क्लियर है इतना पॉइंट? कोई डाउट नहीं होगा इतने पॉइंट पर किसी को? समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एनर्जी देते रहिए, फोटोन डालते रहिए हमारे दिमाग में हम, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कहा है, इट कैन बी अनडाउटेडली स्टेटेड दैट इफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड इज एसोसिएटेड इन बेंजीन देन डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी हाफ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। The molar mass calculated on the basis of delta TB or delta TF will therefore be twice the expected value, double the expected value, abnormal molar mass. Such a molar mass is either lower or higher than the expected or normal value is known as abnormal molar mass. उसी को हम क्या कहते हैं? Abnormal molar mass कहते हैं। ये देखिए, तो जैसा हमने बताया कि एबनॉर्मल मोलर मास को ही सही करने के लिए वेंटहॉफ फैक्टर का इस्तेमाल किया गया। अब वेंटहॉफ फैक्टर है क्या? ये रहा जी वेंटहॉफ फैक्टर आपकी नजरों के सामने, ये रहा वेंटहॉफ, इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई नोन एज द वेंटहॉफ फैक्टर। अब आई की वैल्यू है क्या? आई वैल्यू है हमारे पास, हमने कितने मोल्स सॉल्यूशन में लिए और कितने मोल्स सॉल्यूशन में है और कितने मोल्स हमने लिए थे। जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय द मोल्स टेकन, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया KCl का 1 मोल, तो हमने मोल लिए थे KCl के 1, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जाकर K प्लस Cl नेगेटिव बने, यानी टोटल हो गए हमारे पास 2 मोल्स डिसोसिएशन में। तो I की वैल्यू अगर हम यहां लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2, मोल्स टेकन 1, यानी 2 आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि एसिटिक एसिड 2 मोल्स डाइमराइज हो गए हो, ऐसे लिख देते हैं होल्ड वाइज। तो अब यहां पर अगर हम आई निकालें वेंटहॉफ फैक्टर, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 डिवाइड बाय 2 कितनी आएगी? 0.5 आएगी। लेकिन अगर हमारे पास
तीसरा कोई एग्जाम्पल है, जैसे आपने यूरिया डाला, यूरिया वाटर में जाकर ना एसोसिएट होता ना डिसोसिएट होता, यूरिया के मोल्स उतने ही रहते हैं, एक मोल डाला है एक ही रहेगा, दो डाले हैं दो ही रहेंगे, तीन डाले हैं तीन ही रहेंगे, तो नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब अगर हम आई निकालें तो इट इज़ 1/1 या 2/2 या 5/5, मतलब जितने मोल्स लिए थे उतने ही मोल सॉल्यूशन में रहेंगे, आई की वैल्यू 1 रहेगी। अगर आई की वैल्यू 1 रहती है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, जितने मोल आपने लिए थे उतने ही रहते, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, यानी उसमें कोई एबनॉर्मल नहीं होगा, यही वैल्यू ट्रू वैल्यू है। तो इससे मिलने वाला मोलर मास भी ट्रू ही होगा, सही वैल्यू आएगी। लेकिन प्रॉब्लम तो वेंटहॉफ ने इनके लिए दी थी जो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यहां से सही कर सकते हैं वेंटहॉफ फैक्टर से। और क्या है, आई इज इक्वल्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, जिसको हम एबनॉर्मल भी बोलेंगे, डिवाइड बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, जिसको हम नॉर्मल भी बोलेंगे। वैल्यूज गिवन होती है, इसी आई को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्स होती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू, ये रहा I is equals to molecular weight calculated by the molecular weight observed, और जो calculated है वही हमारे पास normal value है, observed value abnormal value। तो इस I को हम अब कैसे यूज करेंगे, इस आई को यूज करने के लिए यहां पर पहले पढ़ लेते हैं, जो हमने पढ़ा है वही है और कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हमने कहा ना लाइन टू लाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हेयर एबनॉर्मल मोलर मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन बाय अज्यूमिंग दैट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज नीदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। मतलब जो हमारे पास मॉलिकुलर वेट ऑब्जर्व्ड है वो तो है एबनॉर्मल वैल्यू, और मॉलिकुलर वेट कैलकुलेटेड ये है हमारे पास नॉर्मल वैल्यू। तो जब हम नॉर्मल की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, लेकिन जब एबनॉर्मल होगा तो इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर किया जाएगा। इन केस ऑफ एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी, जो हम बता चुके हैं, फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ आई इन द एक्वस केसीएल इज क्लोज टू 2 व्हाइल द वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड इज नियरली 0.5। अब ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है एकदम। अगर हमारे पास कोई An सॉल्यूट है और डिसोसिएशन में जाता है, ये डिसोसिएशन में और Na बना लेता है, तो यहां स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहां N है, तो दिस इज कंसीडर टू बी द डिसोसिएशन। हेयर 1 मोल डिसोसिएट टू N मोल्स, 1 mole dissociate to n moles, and alpha is degree of dissociation. Alpha is a degree of dissociation, मतलब solute हमारे पास weakly dissociated भी हो सकता है और strongly dissociated भी हो सकता है। For example, अगर हमने लिया, मान लो कोई और salt यहाँ पर choose कर लेते हैं, जैसे आप NaCl ले लें, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये Na+ और Cl नेगेटिव में जाएगा, इसके लिए अल्फा होगा 1।
आपने मान लो के टू एस ओ फोर लिया, ये दो पोटेशियम आयन और एक क्लोराइड सल्फेट आयन मिल जाएंगे, इसके लिए भी अल्फा होगा 1। लेकिन अगर आपने एसिटिक एसिड लिया, इसको वाटर में डाला, वाटर में, तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता, वीक एसिड है, सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, राइट। तो इसके लिए अल्फा लेस देन 1 होता है, नॉट 1, लेकिन हो तो रहा है डिसोसिएशन। तो अगर हमारे पास कोई डिसोसिएशन परफॉर्म हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू एन, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1 डिसोसिएशन के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ऑल दो इसके डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं, जहां अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये रहा हमारे पास, आई वेंट ऑफ फैक्टर है हमारे पास, ये भी हम जानते हैं कि आई इज व्हाट, आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। अब एन क्या है, एन 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 ये रहा, एन एन है ये, एन है ये, मतलब एक मोल के डिसोसिएशन से आपको कितने मोल्स मिल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के कितने मोल ऑब्टेन हुए, एक मोल सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूट के कितने मोल्स ऑब्टेन हुए इन सॉल्यूशन, ऐसा परफेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे होगा परफेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास मान लो K2SO4 है, जैसे आपके पास NaCl है, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है, ऐसा कोई सॉल्ट ले लेते हैं, जो आप K4FeCN6 ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ये K2SO4 डिसोसिएट होता है कंप्लीटली, दैट इज 2K प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगर हमें इसका अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1 में वैल्यूज पुट करनी है, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 कंसीडर करते हैं, अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो अल्फा हो गया 1। एक मोल के डिसोसिएशन से आपको टोटल कितने मोल्स मिले बेटा, 3 मोल्स मिले हैं। कितने मोल्स मिले हैं, 3 मोल्स मिले, 2 मोल पोटेशियम के और 1 मोल सल्फेट का, इस तरीके से। तो आपको n की वैल्यू भी मिल गई कितनी, 3। तो अल्फा है 1 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, और ये 1 होने का मतलब है n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, दैट इज n इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू आ गई। अगर हम बी पार्ट पर जाते हैं, समझिए बहुत आसान है, NaCl, NaCl डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा 1, और अगर यहाँ 1 है, 1 मोल है, तो इसका भी 1 मिल गया, इसका भी 1 मिल गया, यानी सॉल्यूशन में आपको 2 मोल्स मिल गए, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, यानी n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 2, लाइक दिस। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एसिटिक एसिड, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका अल्फा 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 कोई भी मान लेते 30% है, मतलब ये है 0.3 वैल्यू। लेकिन एक मोल के डिसोसिएशन से आपको टोटल कितने मिले हैं, 2 मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा, जैसे ये होता है 1, ये 0, 1 माइनस अल्फा, ये हो जाता है अल्फा एंड अल्फा, इस तरीके से। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, अल्फा है हमारे पास 0.3, आई माइनस 1 ये हो गया 2 माइनस 1, तो अब आपको वैल्यू हो गई 0.3
into 1 is equals to I minus 1. Therefore, I is equals to 0.3 plus 1, that is 1.3. तो 1 से तो बड़ी वैल्यू आई गई, और 1 से वैल्यू जब जब बड़ी आएगी तब तक डिसोसिएशन को ही हम कंसीडर करते रहेंगे, डिसोसिएशन को ही कंसीडर करते रहेंगे. तो I की वैल्यू 1 से बड़ी आने का मतलब है कि सॉल्यूट इज अंडरगो द डिसोसिएशन, चाहे कम डिसोसिएट हो या 100% डिसोसिएट हो, अल्फा की वैल्यूज आपके पास रहेंगी. ऐसे ही एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में अभी हमने करना भी है. अब जैसे हमने लिखा K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड FeCN6, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर का आयन ही देंगे, उससे अंदर के जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं ये आयनाइज नहीं करने, आपने ध्यान रखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स में. अब आपको एक मोल यहां था जिससे आपको चार यहां मिले और एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन ये मिल गया, यानी टोटल मोल्स हो गए 5. और इनको सॉल्ट कंसिडर करते हैं तो अल्फा 1, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1. तो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, यानी एन इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 5. ये वैल्यूज आ जाएंगी. तो ये था हमारे पास डिसोसिएशन को लेकर पॉइंट. लेकिन अगर कभी एसोसिएशन परफॉर्म होता हो, इफ एसोसिएशन इज गोइंग ऑन, एसोसिएशन में जैसे हम मान लें कि हमारे पास एन ए थे और ये एसोसिएट होकर ए होल एन बन गए. जैसे हम बहुत बार एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले चुके हैं इन द बेंजीन, बेंजोइक एसिड इन द बेंजीन भी ले सकते हैं. ध्यान रखना कि एसिटिक एसिड बेंजीन में है तो एसोसिएट होगा, एसिटिक एसिड वाटर में अभी हम करके आए तो वो डिसोसिएट होगा. और ये बना दिया CH3COO होल एच होल ट्वाइस, ऐसे बना दिया हमने, राइट जी बेटा. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां N है 2 और यहां है ये, तो 2 मोल्स एसोसिएट होकर कितने में चले गए, 1 मोल. और अल्फा अगर अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसकी वैल्यू 100% भी हो सकती है, मान लेते हैं कि अभी ऊपर वाले केस के लिए ये 100% है, मतलब ये वैल्यू है 1, तब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1 बाई एन, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आई इज द वेंट हॉफ फैक्टर, और n क्या है, यहां n है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन. तो अगर आपसे कहा है कि डाइमर बन रहा है, डाइमर का मतलब हो गया 2 मोल एसोसिएट होंगे तो 2, अगर आपसे कहा है ट्राइमर बन रहा है, ट्राइमर का मतलब n हो गया 3, क्वेश्चन में कहा है ऑक्टामर बन रहा है, ऑक्टामर मतलब 8 एसोसिएट हो रहे हैं तो मोल्स अंडरगो एसोसिएशन 8, टेट्रामर बन रहा है तो मतलब 4 हो गया. अब जैसे इसी केस के लिए हम लिखें अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1 बाई 2, डाइमर हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई 0.5, या हो गया 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, और एल्स आई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, मतलब हो गया 0.5 या हाफ वैल्यू. तो वैल्यू कम आएगी अगर एसोसिएशन हो रहा है. तो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एसोसिएशन है तो इधर से, और अगर डिसोसिएशन है तो ये रहे वो फॉर्मूले जो हम बता चुके, राइट.
अब जब आप एक बार आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको यूज़ कैसे करना है? आपने इवेंट ऑफ फैक्टर तो निकाल लिया करेक्शन के लिए, तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने आई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। तो जब आप फॉर्मूला लिखना शुरू करें तो आप हैबिट डाल लीजिए कि आई को मल्टीप्लाई करना बार बार शुरू कीजिए, एन टू बाई एन वन। अगर आई वन है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्ट को देखकर आप बता सकते हैं। तो आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चलिए हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू करेक्शन फैक्टर आई इन टू के बी इन टू एम, डेल्टा टी एफ आई इन टू के एफ इन टू एम, एंड द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इज इक्वल टू आई इन टू सी इन टू आर टी। इस तरीके से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो एबनॉर्मल मोलर मास है उसका मल्टीप्लीकेशन करके उसको करेक्ट कर लेंगे या कर सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी दूर कर लेंगे या एबनॉर्मेलिटी हटा लेंगे वहाँ से, राइट? अब बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब एलएसएस किए तो बात बनेगी नहीं बच्चों, वो तो करनी ही पड़ेगी आपको, लाइक भी शेयर भी और सब्सक्राइब भी, राइट? तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तगड़े न्यूमेरिकल हैं एकदम सॉलिड। अब बात पूरी तरीके से ओपन होकर आ गई कि इसमें अब हम एबनॉर्मल भी लगा सकते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। ध्यान एकदम फोकस, यहां पर कहा गया है बेंजीन में बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया है, वाटर में नहीं। तो आपको खुद से एसोसिएशन कंसीडर करना पड़ेगा। वाटर में डालते तो डिसोसिएशन होगा, क्वेश्चन में देखो नहीं कहा, ये पूछा है एसोसिएशन, राइट? तो आपको गिवन क्या है, दिया क्या है, हमारे हाथ में है क्या क्या, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हम सॉल्व कर सकें। तो आपको सॉल्यूट दिया है C6H5COOH जिसका वेट गिवन है 2 ग्राम। सॉल्वेंट गिवन है आपको C6H6 जिसका वेट गिवन है आपके पास 25 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ गिवन है और वो है 1.62। ये लो जी एलएसएस, एलएसएस समझ आ रहा है ना? हाँ, भूलना नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एनर्जी। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, तो आपको के एफ दिया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन 4.9। ये सॉल्वेंट के लिए ही होता है। वट इज़ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड टू फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन, तो आपको फाइंड क्या करना है? लो जी, फाइंड करना है परसेंटेज एसोसिएशन यानी अल्फा। डाइमर बन रहा है, डाइमर बन रहा है इसका मतलब हो गया हमारे पास एन वैल्यू इज 2। तो एसोसिएशन में था अल्फा इज इक्वल टू 1 - i / 1 - 1/n। अल्फा हमारे पास अननोन है, आई नहीं मालूम, एन जरूर मालूम है 2। अब इस डेटा से हमें निकालना पड़ेगा आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, आई वैल्यू निकालनी होगी। समझ आ रहा है इतना पॉइंट? अब आई वैल्यू कैसे निकालें? हमारे पास है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इन टू एम इन टू के एफ, राइट? हमें अल्फा निकालने के लिए आई चाहिए, तो डेल्टा टी एफ अगर हम यहां से निकालते हैं तो डेल्टा टी एफ है हमारे पास 1.62। ये रहा आई, हमें नहीं पता मोलैलिटी, गिवन वेट कितना वेट है हमारे पास, गिवन वेट मोलैलिटी में एन टू लिखते हैं, पहले फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं, इन ग्राम इन 2000 इन टू के एफ, राइट? अब 1.62 हो गया आई इन टू एन टू,
n2 हो गया वेट इन ग्राम, वेट ग्राम दिया है 2 बाय एम नॉट, और सॉल्वेंट कितना दिया है 25, 25 इन 2000 इन टू के एफ एस 4.9, ये वैल्यू। तो अभी हमारे पास एम नॉट है एसिटिक एसिड का, सॉरी बेंजोइक एसिड का मोलर मास भी हमें चाहिए, और बेंजोइक एसिड का मोलर मास अगर हम निकालें तो इट शुड कम आउट 122 आई थिंक, C6H5COOH, इसका एम नॉट होता है 122 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो आई वैल्यू कैसे निकालें, आई के लिए हो गया 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ये मेरी नहीं टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सेविंग में टाइम लगता है इसको। तो 2 इंटू 1000 इंटू 4.9 इज इक्वल्स टू आई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी, आई की वैल्यू आ गई, राइट। तो अब हम यहां से आई वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक बार अगर हमने आई वैल्यू निकाल ली तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से आई वैल्यू प्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले में, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे, राइट। तो देखते हैं कि आई की वैल्यू आती कितनी, थोड़ा टाइम लगेगा हमें भी कैलकुलेशन में। हाँ जी, तो वैल्यू आती है आई की 0.5041, यानी लगभग आधी वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेट हाफ वैल्यू। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1-0.504 डिवाइड बाय 1-1/2, तो ये वैल्यू 0.496 डिवाइड बाय 0.5, राइट। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 1 आती है, अप्रोक्सीमेट मतलब अल्फा आता है हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन लगभग 100%, अप्रॉक्सीमेट 100%, बट अप्रॉक्सीमेट है ये। तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू लिखना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ 0.992 और 99.2%, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर आप एग्जैक्ट आंसर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से हम अब अपने को तैयार करें कि हम फॉर्मूला हमेशा आई के साथ ही लिखेंगे। हाँ, अगर I की वैल्यू 1 है तो बहुत अच्छी बात है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम इन टू के एफ है, लेकिन हम जब तक फॉर्मूले में इसको देखने ना लगे तब तक हमारा दिमाग ही नहीं चलेगा कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन लेना भी है या नहीं। अब अगला सवाल आ गया, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, इस बार फिर से एसिटिक एसिड है, हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी दी है, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, तो इस बार ये तो डिसोसिएट होगा। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट observed for this strength of acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate the Van't Hoff factor and the dissociation constant of the acid. Dissociation constant भी निकालना है आपको। तो अब यहाँ दो calculation हो गई हमारे पास, calculate the Van't Hoff factor यानी alpha निकालना है and the dissociation constant of the acid. Dissociation constant of the acid यानी Ka निकालना है। तो पहले हमारा जैसा रूल है हम गिवन लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड है जी, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml, जिसको डिसॉल्व किया 1 लीटर वाटर में, ये तो गिवन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ आपको दिया है 0.0205, लेकिन आप जानते हैं कि के एफ
तो केएफ हमें ज़रूर चाहिए, और केएफ वाटर का इस न्यूमेरिकल में तो नहीं दिया लेकिन हम निकाल सकते हैं। तो केएफ है हमारे पास, मतलब हम डाटा को यूज़ कर सकते हैं 1.86 वाटर के लिए। ये तो गिवन हुआ। फाइंड क्या करना है हमने, वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई निकालना है एक तो आपको, और दूसरा निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये वैसे तो पुरानी थोड़ी बात है क्योंकि 11th क्लास की है, लेकिन फिर भी इतना तो हम याद रख सकते हैं। ये डिसोसिएशन होगा राइट, और जब ये डिसोसिएशन होगा तो ये सी, ये जीरो, ये जीरो याद आया होगा आपको, सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा, तो के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाय सी वन माइनस अल्फा। सी से एक सी कैंसिल आउट हो गया, सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, और अल्फा अगर बहुत कम है तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हमें एक तो ये वैल्यू चाहिए, इसके लिए आपको ना अल्फा पता है अभी, ना डायरेक्टली कंसंट्रेशन पता है, और आई भी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास है सबसे पहला मोल्स निकालना, डेंसिटी है हमारे पास, वॉल्यूम है हमारे पास, तो मोल्स कैसे निकालें। तो डेंसिटी का मतलब यहां पर क्या है, आप सभी जानते हैं डेंसिटी का मतलब क्या है। यहां पर हमने ऐसे लाइन लगा दी और अब हम यहां इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन, डेंसिटी होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर अब हम यहां से मास ऑफ एसिटिक एसिड निकालें तो मास ऑफ एसिटिक एसिड आएगा आपके पास कितनी वैल्यू, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है आपके पास 1.06 और वॉल्यूम है 0.6, ये हो गया। और अगर हम मोल्स निकालें तो मोल्स हो जाएगा वेट यानी जो मास हमने निकाला डिवाइड बाय एम नॉट। तो मोल्स हो गए हमारे पास 1.06 इंटू 0.6, ये तो मास हुआ, मोलर मास है 60। तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 0.0106, इतने मोल्स हैं हमारे पास, वॉल्यूम भी है। अब मोलैरिटी आ जाएगी कंसंट्रेशन, तो मोलैरिटी हो गया 0.0106 मोल्स पर लीटर, तो 0.0106 डिवाइड बाय 1 दैट इज 0.0106 इज द मोलैरिटी। हाँ जी, इतना काम तो हमने कर लिया। अब हम इस पेज को ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे, जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और वैल्यू को कैलकुलेट करते रहें। तो हमारे पास मोलैरिटी भी आ गई, मोलैलिटी भी आ गई, क्योंकि एक लीटर वाटर अगर हमने लिया है तो एक लीटर वाटर का मतलब डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर सीसी, यानी इसका वॉल्यूम और मास बराबर हो। तो अगर हम मोलैलिटी निकालें तो मोलैलिटी यहां से सेम वे में निकाल सकते हैं 0.0106 डिवाइड बाय 1 kg, 1 लीटर वाटर 1 kg वाटर, 1 लीटर वाटर 1 kg वाटर, तो इसकी मोलैलिटी भी सेम आएगी। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोलैलिटी मोलैरिटी सेम होती है। अब हम थोड़ी लाइन लगाएंगे, थोड़ा सेव कर लेते हैं जगह ये, और अब हम यहाँ एक वैल्यू निकालते हैं। क्या वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ। वेरी गुड, शाबाश। तो डेल्टा टी एफ कितना है, 0.0205, आई कितना है नहीं पता, मोलैलिटी 0.106, के एफ कितना है 1.86। आई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, और क्योंकि एसोसिएशन नहीं है, डिसोसिएशन है, तो ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अब अगर हम यहां सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.041 आती है, अप्रोक्सीमेट मतलब ग्रेटर देन 1 तो है, तो डिसोसिएशन थोड़ा ही हुआ है लेकिन हुआ जरूर है। ठीक है, इतना पॉइंट। अब अगर आई वैल्यू आ गई तो अब हम अगले पेज की तरफ जा सकते हैं, जरूरत होगी तो पिछला पेज ले आएंगे।
राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं डिसोसिएशन के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये तो नहीं था, आई है 1.041 माइनस वन डिवाइड बाई मोल्स कितने मिले थे आपको प्रीवियस पेज पर देख सकते हैं, 2 मोल्स एक के डिसोसिएशन। तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस 1, यानी अल्फा हो गया 1.041 माइनस 1 बाई 1, नहीं मीनिंग 0.041, ये अल्फा आ गया। अब एक बार अगर आपके पास अल्फा आ गया और सी भी आ गई थी, प्रीवियस पेज पर चले जाएंगे, ये रही कंसंट्रेशन और ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, अब हम फिर से दैट इज के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा। सी कितना आया था हमारे पास, सी आया था 0.0106 अल्फा, ये रही वैल्यू 0.041 का स्क्वायर बाई वन माइनस 0.041 इंटू, ठीक है। तो अब अगर हम वैल्यू को प्लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.86 इंटू 10^-5, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आ गया। मैंने कहा था ना हैवी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन करते रहेंगे तो समझ आता रहेगा। तो अब हमारा यहाँ चैप्टर संपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, इट इज नाउ कंप्लीट, नॉट फिनिश, कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर। लेकिन कंप्लीट और न्यूमेरिकल के बिना नहीं होगा, हम और प्रैक्टिस आपको देंगे, लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, एलएसएस करते रहिए, एनर्जी के बंडल फोटोन हमें देते रहिए, हम एक्साइट होते रहेंगे और आपको खूब अच्छा मटीरियल, ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल डिलीवर करते रहेंगे। तो अब हम आगे शुरू करेंगे NCERT के बैक साइड के न्यूमेरिकल्स, बोल रहा हूँ तो हमें वही करना है।